तो चलिए, आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार यार डीएलएड एडमिशन 2024 पर कंधों से कंधा मिलाकर मैं चैनल के माध्यम से हमेशा आपके बीच में खड़ा नजर आ रहा हूं, है ना। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, देख सकते हैं जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है और तमाम मेरे साथी ऐसे हैं जो लगातार इस चीज को लेकर परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिरकार भाई साथ में प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार लगा हुआ है, उनकी मैं सराहना करना चाहूंगा, ठीक है। और अभी मैंने जब सुबह एक वीडियो ट्विटर कैंपेन पर बनाया तो उसमें जो आपका सहयोग मिला काफी अच्छा रहा। लेकिन मैंने जो निवेदन आपसे किया था उस वीडियो में कि भैया आप इस वीडियो को थोड़ा सा और बड़े स्तर से आप शेयर करिएगा, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। देखिएगा, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा, मैंने सुबह भी इस बात को कहा था कि मेरे भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। मेरे कहने का सेंस ये है, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक आपका सहयोग मुझे नहीं मिलेगा। हमारे अकेले ट्वीट करने से और अकेले आपके ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा आपसे कि जब तक हमें 10,000 15,000 लोग ट्वीट नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक जो है 10,000 लोग कम से कम, ठीक है, जब तक भैया 10,000 लोग 15,000 लोग ट्वीट नहीं करते हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है ना। इसलिए यहां देख सकते हैं, कहा जा रहा है प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन विचार विमर्श जारी है। हालांकि मैंने आपसे कहा था लगातार इनका जो सहयोग है काफी अच्छा है, एडमिशन की ओर कहीं ना कहीं हम आप अग्रसर जरूर हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं से थोड़ा सा हमें आपको डिमोटिवेट होना पड़ता है। लोग यहां तक कि मैं आपको बताऊं, डीएलएड एडमिशन पर तो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को साधना चाह रहे हैं। मेरे कहने का सेंस ये है, आपसे वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, है ना, और आपसे वो कहते हैं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई तो ये है यार, कोई भी इस चीज को लेकर आगे नहीं आ रहा। मैं अकेला एक इंसान हूं, ठीक है, मैं अकेले आपके बीच में चैनल के माध्यम से जो मैं काम कर रहा हूं आपके लिए, आप मुझे याद करेंगे। यही कंडीशंस मैं बताऊं तो 2000 जो है 23 वालों के साथ ही इनके डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल नहीं खुल रहा था, उस वक्त भी मैंने उनका साथ दिया था। और फाइनली मैं दावा करता हूं कि उस वक्त भी मैंने जब साथ दिया तो फाइनली मैंने एडमिशन करवा कर ही छोड़ा था, ठीक है। और यही कंडीशंस आज भी है, मैं चैलेंज करता हूं। लोग यहां सत्र शून्य की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आह्वान करता हूं कि आपका सत्र शून्य नहीं होगा, ठीक है। एडमिशन भले 15 दिन बाद 1 महीने बाद हो वो अलग का मामला, लेकिन आपका सत्र कभी शून्य नहीं होने दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। बाकी यहां देखिएगा, कहा जा रहा है विचार विमर्श जारी, अपील क्यों नहीं कर रहे पीएनपी, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। 25 नवंबर को हमने ट्विटर कैंपेन रखा है, हैशटैग समझ लो 12वीं पास एडमिशन धरने की मांग आप लगातार कर रहे हैं, और रैंक कार्ड कब आएगा और काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगी। तो चलिए हम फाइनली सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम आपको अपने वीडियोस पर लेकर जाना चाहेंगे, जहां से आप लगातार भैया हमसे कह रहे थे कि इस चीज पर आप वीडियो के लिए बात कर रहे थे, हमने वीडियो जो बनाया, आप इस वीडियो को देखिएगा, यही वीडियो मैंने आपको सुबह प्रोवाइड किया था, है ना। और उस वक्त मैंने कहा था भैया आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और आपके फीडबैक जो है मैंने हैशटैग की डिमांड किया था कि आपका हैशटैग क्या होना चाहिए। देख सकते हैं आपके जो कमेंट आए हैं, जितने भी लोग कमेंट किए हैं देख सकते हैं, 12 वालों का एडमिशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग 3 साल खराब किए हैं, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। कहा जा रहा है सर हम आपके साथ हैं, देखिएगा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप अगर साथ नहीं आएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके एडमिशन की प्रक्रिया मेरे दोस्त वो ठंडे बस्ते में पड़ी है ना। तो आपको साथ आना ही आना होगा, और यहां YouTube के नीचे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, है ना। आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें या किसी भी चैनल के नीचे जाकर कमेंट करें, कुछ नहीं होगा। आप उस चैनल पर विजिट करें जहां से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, जहां से लोग संघर्ष की बात कर रहे हैं, है ना। बाकी चीजों को आप नजरअंदाज करें, देखिएगा यहां काउंसलिंग करवाइए प्लीज, हमारे चाहने से मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है,
लेकिन जो संघर्ष है, जो प्रयास है, मैं अनवरत आपके लिए कर रहा हूं। देख सकते हैं कहां जा रहे सारे लोग, इस वीडियो को वायरल कर दो, शेयर करके हम लोगों को भी हाथ, हम लोगों, हम क्या लिखा, हम लोगों को भी जो हाथ में है उतना तो इफोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद जताना चाहूंगा, कम से कम आपने इस कमेंट को लिखा है। भाई आपके हाथ में जो चीजें हैं, कम से कम आप वो तो कर ही सकते हैं, है ना। आगे आपसे कहा जा रहा है देखिएगा, हाँ आगे देखिएगा, हम सभी के कमेंट को दिखाएंगे, ठीक है। देखिएगा यहां आपसे कहा जा रहा है कि मैं भी सोच रहा हूं कि एमए में एडमिशन ले लूं, एडमिशन लास्ट डेट 24 नवंबर है, नहीं तो ईयर खराब हो जाएगा। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है सर। ये सेशन तो अब तो गया, आप ये कैंपेन 2025 में करवाइएगा। नहीं भैया, जाने तो नहीं देंगे, ठीक है, जाने तो नहीं देंगे। एक तो कहावत नहीं है कि बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं 100% का, ठीक है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज एडमिशन की डेट बढ़वा सकते थे हैं, वो स्टेट रैंक क्यों नहीं सड़क पर उतर सकते हैं मेरे दोस्त। एक चीज जान मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तो आज नए नए इस क्षेत्र में आए हुए हैं, हम लोग 2023 का मामला था, ठीक है, इसी के साथ साथ 2022 में भी था, ठीक है। 2022 में हम लोग अथक प्रयास किए थे एडमिशन के लिए, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन वगैरह आया था, कुछ चीजें उस समय भी यही प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उस वक्त भी हम लोग लगातार परेशान थे, लेकिन आप नहीं आ रहे थे, है ना। हम लोगों ने कहा कि चलिए आपके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अकेले करने से और न हमारे चाहने उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम लोग गए, लेकिन वहां आपकी संख्याएं क्या मिली, जो यहाँ आसपास के बच्चे थे वो तो आए थे, है ना, लेकिन और जो दूर दराज क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो होता नहीं कि चलिए हम उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे, तो ऐसे काम करने वाले थे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। धरने की बात तो मैं नहीं करूंगा, है ना। यूपी डीएलएड एडमिशन इंफॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट चैनल का मतलब आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, थैंक यू मेरे दोस्त, ठीक है। हालांकि मेरे थैंक यू ज्ञापन करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, ठीक है, आप जो है कम से कम वीडियो को शेयर करके और लोगों को इन्फॉर्म करिए, ठीक है, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो जैसे सब लोग वीडियो बना रहे हैं, हालांकि मेरा ये उद्देश्य तो नहीं होता यार, पर डे वैसे भी आप परेशान हैं, ठीक, और परेशान करना किसी का मकसद नहीं हो सकता, लेकिन मैं भी जब सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि तमाम लोगों के वीडियोज आए रहते हैं, लोग आप ही शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए भैया फला जगह से एडमिशन की न्यूज आ रही है, लेकिन ये सारी चीजें निराधार है, ठीक है, किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं। कोई भी चैनल, कितना भी हमारा चैनल तो भी छोटा, यहाँ देख सकते हैं ज्यादा सब्सक्राइबर भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, 30,000 सब्सक्राइबर हैं, और आपके सहयोग के डिमांड हम लगातार करते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, ठीक है, कभी कभी छोटे लोगों पर भी विश्वास करना चाहिए, है ना। चलिए, बहरहाल 12 वालों को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए तो अलग काम, 25 नवंबर को हम सब रेडी हैं। अच्छा ठीक भैया, 25 नवंबर को आप रेडी हैं, बहुत अच्छी बात है। कहा जा रहा है सर हम आपके साथ हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट प्लीज जल्दी से। हाँ बिल्कुल, अगले साल एडमिशन होगा, नहीं, अगले साल तो एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन तो आपका इस साल ही होगा, ठीक है, चलेगा। आगे देख लीजिए, और भी चीजें हैं, ये थोड़ा सा कहा जा रहा है, लग रहा सहयोग करें, ये सत्र जो है कैंसिल होना चाहिए। नहीं, कैंसिल तो नहीं होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं इन्होंने हैशटैग दिया है, काफी अच्छा खासा हैशटैग है, कोई दिक्कत नहीं है। हैशटैग ये भी रखा जा सकता है, यूपी डीएलएड एडमिशन, यहाँ आप 2024 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप 2024 कर सकते हैं। वैसे मैं भी देखूंगा, अगर हैशटैग आपका बेहतर है, यही हैशटैग हम भी यही सोच रहे थे, बट अभी तो बहरहाल कल मैं आपको बताऊंगा क्या हैशटैग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लगातार इसके संदर्भ में भाई हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपसे कहा था प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन भी लगातार है, सब लोग इस सहयोग से ही ये काम हो रहा है ना। आगे देखिएगा, यहाँ सारी चीजें और भी दी जा रही हैं, ठीक है, 3,000 फॉलोअर्स हैं, तो मेरे दोस्त आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं यही आखिरी उम्मीद आपसे रखता हूँ, ठीक है। बाकी हमसे जो हो रहा है, मैं आप अपने स्तर से कर रहा हूँ, देख सकते हैं और भी चीजें हैं जो है, ये क्या अपील की बात करते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखिएगा कहा जा रहा है मैं कम से कम 50 लोगों को वीडियो शेयर करने का टारगेट रखो, चलिए थैंक यू भैया, ठीक है। बाकी यहाँ और भी सारी चीजें दी गई हैं, सभी के कमेंट को आप देख सकते हैं, ये ट्विटर हैंडल ठीक रहेगा, यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 रैंक कार्ड, ठीक है। ये रैंक कार्ड की बात छोड़िए, ठीक है, रैंक कार्ड तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा आपका जो और सिस्टम है, ठीक है, अभी जो
रखा गया था वो बिल्कुल बहरहाल सही रहेगा, जो मैंने बताया था ये हैशटैग यूपी डीएलएड एडमिशन 2024, वो चीजें बिल्कुल सही रहेंगी, है ना, तो वो हैशटैग रखा जा सकता है। बहरहाल यहाँ देखिएगा 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से आप बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शंस नजर नहीं आ रहा है, नजर यही आ रहा है कि हमें 12वीं को एडमिशन देना होगा। अब अगर ये अपील नहीं करते हैं तो या तो 12वीं को एडमिशन दे या तो जो है अपील दर्ज करें, ठीक है। बाकी अभी अब ये 12वीं के एडमिशन पर लगभग 95% पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, एडमिशन हो सकता है नहीं होगा तब भी मैं बताऊंगा, ठीक है। रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल की कोई सूचना है नहीं है। धरने की मांग को लेकर मैं इस बात को खारिज करता हूं कि धरने पर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप धरने पर आएंगे नहीं। तो जो भी होगा मैं चैनल पर आप सभी को बताऊंगा। बाकी मैं आपसे बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, आप जो है इस वीडियो को और भी लोगों तक इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, कि ताकि ये 25 नवंबर का जो जिक्र किया जा रहा है 25 नवंबर को, ठीक है, वो हमारा मकसद पूरा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म करिए। तो जो भी होगा आप सुबह का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि किसको आपको टैग करना हैशटैग क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपके बीच में होगी। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।